वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं अंशिका मिश्रा और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूं कि अगर बच्चे को डायपर रैशेस परेशान हो कर रहे हैं, अगर डायपर रैशेस की वजह से आप परेशान हैं, बच्चे पर बहुत ज़्यादा लाल रंग के दाने पड़ जा रहे हैं, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। वैसे डायपर रैशेस के लिए बहुत सारी मेडिकल पे आपको बहुत सारी क्रीम मिल जाएगी जो कि बहुत कॉस्टली होती है, बहुत आराम से आपको लेना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप सोचते हैं इतनी कॉस्टली क्रीम लेने से अच्छा हम डायपर ना पहनाएं तो ही बेटर है। तो चलिए आज आपके लिए मैं ऐसी चीज़ बताती हूँ जो कि आपको डायपर रैशेस से छुटकारा दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहली चीज़, अगर आप बच्चे को ऑयल लगाती हैं तो कोशिश कीजिए जब भी आप डायपर पहनाएं बच्चे को, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में ऑयल उसके बम पे आप लगा सकती हैं, जो कि बच्चे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और जिसकी वजह से आपके बच्चे को डायपर रैशेस से छुटकारा पाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप बच्चे को डायपर पहना रही हैं तो उसको सूखा ना रहने दें, उस जगह को आप मॉइस्चराइज़ कर दें। मॉइस्चराइज़ करने के लिए पहले मैंने बताया ऑयल, देन सेकेंड आप कोशिश कीजिए कि कोई क्रीम बोरो प्लस वगैरह लगा सकते हैं। बोरो प्लस सबसे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बोरो प्लस आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता, सस्ते में ही मिल जाएगा, नॉर्मली मिल जाएगा और बच्चे को नुकसान भी नहीं करता है, क्योंकि बोरो प्लस में एंटीबायोटिक चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे को नुकसान नहीं करेंगे। तो आप उसको बोरो प्लस उसके बम पे लगा सकती हैं जिससे डायपर रैशेस 101% छुटकारा मिल ही जाएगा। मैंने मेरी बेटी पे हमेशा बोरो प्लस ही ट्राई किया है, बोरो प्लस के अलावा मैं कोई दूसरा चीज़ ट्राई नहीं करती थी। वैसे ये सारी चीज़ें भी मैंने ट्राई की हैं एक आध बार, लेकिन बोरो प्लस मुझे सबसे बेस्ट लगा था तो मैं बोरो प्लस ही यूज़ करती थी। तो बोरो प्लस आप यूज़ कर सकती हैं। देन थर्ड, अगर आप बोरो प्लस नहीं ले पा रही हैं तो वैसलीन तो ला सकती हैं। वैसलीन सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, छोटा सा आता है। वैसलीन बच्चे के डायपर रैशेस के लिए भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर की भी आप अगर सलाह लेंगे तो वैसलीन के लिए वो तुरंत हाँ कर देते हैं। वैसलीन हो चाहे बोरो प्लस हो, दोनों के लिए आपको तुरंत डॉक्टर हाँ कर देगा। तो वैसलीन को आपको उस बच्चे के बम पे लगाना है, वो लगाने के बाद ही आप तुरंत डायपर पहना दें। उससे पहले ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली पहना दें बच्चे को, तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तुरंत डायपर रैशेस हो जाते हैं जिसकी वजह से लाल रंग कलर का दाना हो जाता है बच्चे को, जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जो कि बच्चा बता भी नहीं पाता है, वो रोता है लेकिन बताता नहीं है कि उसे खुजली हो रही है। तो अगर इससे सारी चीज़ों से बचना है आपको, तो ये सारी चीज़ें करती रहनी चाहिए। देन आपको हमेशा कोशिश कीजिए कि जब आप बच्चे को डायपर पहना है तो उसके 3 या 4 घंटे के बाद चेक कर लें कि डायपर कहीं बहुत ज़्यादा भीग तो नहीं गया है। ऐसा होता है कई कई बार कि डायपर बहुत ज़्यादा भीग जाता है जिसकी वजह से बच्चे को इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो बता नहीं पाता है जिसकी वजह से वो रोता रोने लगता है। तो आप उसको 3-4 घंटे के बाद डायपर निकाल दें, 7-8 घंटे ना पहनाए रखें। अगर उसको बहुत ज़्यादा टाइम भी डायपर पहनाए रखें तो भी उसके दाने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझसे दोबारा मिलने का मन हो तो बेल आइकन दबाना ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।